आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा का हमला, कहा ब्लेम गेम खेल रही आतिशी। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। आतिशी ने कहा कि उनके एक करीबी के जरिए उन्हें अप्रोच किया गया कि वे बीजेपी में शामिल हो जाए, वरना एक महीने के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के इस दावे पर अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि थीफ्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं तो इन लोगों को भी अंदर जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? देखिए, दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? मनोज तिवारी ने कहा कि जब किंग पिंग कह रहा है कोर्ट में कि ये लोग शामिल है, तब इसके बाद तुरंत आतिशी का चेहरा उड़ जाता है, और फिर रात भर की प्लानिंग के बाद आतिशी कहती है कि उनको ऑफर मिल रहा है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए आतिशी की बात पर अब दिल्ली कैसे विश्वास कर सकती है? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ यमुना दी? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ पानी दिया? जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत आतिशी जी का चेहरा उड़ जाता है कोर्ट में, अब रात भर की प्लानिंग के बाद सवेरे निकलता है कि हमको ऑफर मिल रहा है। अरे, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। आप लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का स्टैंड है भ्रष्टाचार को हटाइए। इसलिए आतिशी जी की अब किसी बात पे दिल्ली विश्वास कैसे कर सकती है? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ जमुना दे दी? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ पानी दे दिए घरों में? क्या दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने पेंशन दे दिया? वो कहते हैं ना कि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ओल्ड टैक्टिक्स स्टैंड एक्सपोज्ड, सो स्टॉप लाइंग एंड एक्सप्लेन व्हाई यू चीटेड दिल्ली। मेरा मानना है आपने दिल्ली को जिस स्तर पे चीट किया है, अब दिल्ली की जनता आपको माफ करने वाले नहीं है। वहीं इस पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतिशी ये भूल रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वजह से उनकी तरफ जांच का रुख हुआ है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है।
आतिशी अब ब्लेम गेम खेल रही है, भूल रही हैं कि जांच का रुख उनकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी का और माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का नाम कल लिया है और अब आप देखिए एक ब्लेम की फुटबॉल खेल रही हैं आतिशी जी, वो भी अपने बाकी साथियों दुर्गेश पाठक जी और राघव चड्डा जी का नाम ले रही हैं। कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ आतिशी जी को कि जाइए नाम उजागर करिए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।